हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवल बोल देना ही पर्याप्त नहीं है, इस दिन को सही मायने में फॉलो करना, सही मायने में लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ की बस हम बातें करते रहते हैं हमेशा, बड़े बड़े मंचों से बातें होती हैं, बड़े बड़े लोग संवाद करके चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता जो है इसकी, जो लोग इससे प्रताड़ित हैं, जिन लोगों को पता भी नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ का शिकार है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक दिमाग के कोने में वो किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित हैं, तो उनको, उनसे बात करें, उनसे जुड़ें, उनको समझने की कोशिश करें, प्रयास करें कि हम केवल एक दिन ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ना मनाएं, पूरे वर्ष, हर समय, हर वक्त, हर महीने, हर सप्ताह, पूरे साल, हर दिन हम एक किसी दिन को मनाएं। इस चीज को याद रखें कि मेंटल हेल्थ जो सभी बीमारियां हैं उनसे बड़ी बीमारी है, तो उसको कितने सीरियस वे पे लेना है, हमें कितने महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझना जरूरी है। साहित्य की बात करें तो साहित्य में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही है। मेंटल हेल्थ पे अगर हम फॉलो करें, जो सबके पसंदीदा शायर है मिर्जा गालिब, उन्होंने लिखा है कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मुझे लगता है गालिब ने जब भी इस शेर को लिखा होगा उसका मतलब ही, या उनके पास ऐसी जिंदगी चल रही होगी, या उनके नोन में ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा जो किसी न किसी डिप्रेशन से, किसी न किसी मानसिक बीमारी से प्रताड़ित होगा। व्यक्ति जहाँ पे है उसको खबर नहीं होती है। मैं अगर मानसिक बीमारी से प्रताड़ित हूँ, मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, वो समझने की, सोचने की क्षमता मेरे पास नहीं होगी उस समय। तो व्यक्ति अच्छा खासा खा रहा होता है, पी रहा होता है, बीमारी दिखती नहीं है, तो उस बीमारी को समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति है, तो मुझे लगता है जो लोग बीमारी से प्रताड़ित भी हैं, जो लोग उलझन में, डिप्रेशन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो अपने आसपास जो भी लोग हैं प्रयास करें कि जितनी बातें वो साझा कर सकते हैं उतनी बातें उन लोगों के साथ साझा करें। गालिब के जो शेर है, जो शायरी है गालिब की, उससे अपना जो मानसिक बीमारी है, जो डिप्रेशन की जिस तरीके से जो प्रताड़ना होती है, उसको समझने के प्रयास करें, दूसरों को समझाने की प्रयास करें। मिर्जा गालिब, जिनकी 7 संतानें थी और किसी न किसी तरीके से उनके जीवन काल में वो बहुत सारी चीजों से परेशान रहे, उन्होंने अपने आप अपने बच्चों को खोया, जिस तरीके से उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में चीजें चल रही थी, उनमें कई बार वो डिप्रेशन देख भी गए, उनकी लेखनी में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, हमेशा कहीं ना कहीं एक दुख का भाव प्रकट होता है। वो लिखते भी हैं, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। जिस तरीके से उन्होंने जो जिस तरीके से नींद से प्रताड़ित रहते थे अपनी संतानों को खोने के बाद, अपने परिवार के दुखों के बाद में, तो उन्होंने इस छोटे से शेर में अपनी जिंदगी की जो व्याख्या है वो कर दी है। डिप्रेशन में कोई भी इंसान जा सकता है, एक बड़ा लेखक हो, बड़ा शायर हो, छोटा शायर हो, छोटा लेखक हो, या छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, बहुत धनी व्यक्ति हो, बहुत गरीब व्यक्ति हो, डिप्रेशन इन सबसे परे है, कोई भी शिकार हो सकता है। आप लोगों को समझने की कोशिश करिए, आप इस तरीके के लेखकों को पढ़िए, इस तरीके की कवियों को पढ़िए, इस तरीके की गजलकारों को पढ़िए, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आसान तरीके से वो जो डिप्रेशन की बातें, जो मनोविज्ञान की बातें वो आप तक पहुंचा पाएंगे, मेंटल हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा पाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमेशा कहा है, कविता सर्वोच्च खुशी या गहरे दुख से जन्म लेती है। कविता का जन्म ऐसा नहीं कि डिप्रेशन से ही हो, उस दुख को समझना, उस खुशी को समझना बहुत जरूरी है, उस दुख को समझने के बाद लिखना, उस खुशी को समझने के बाद लिखना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में जाने के बाद ही कविता नहीं बनती है, कविता के जरिए भी हम डिप्रेशन को मिटा सकते हैं। जिस तरीके से जो हमारे बदायूनी है, फहमी बदायूनी, वो लिखते हैं कि पूछ लेते बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो हर शायर ने, हर कवि ने, हर लेखक ने कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ कहने का प्रयास किया है अपनी लेखनी के जरिए। उस लेखनी में उन्होंने बातचीत करने के लिए आपको प्रोत्साहित किया है, लोगों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत सारे लोग होते हैं प्यार में पड़ते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, उन ब्रेकअप्स के बाद में वो कई बार मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये सारी चीज़ें कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास आसपास जिनके साथ वो चीज़ें साझा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आसपास लोग नहीं होते हैं और वो अपने आप में घुटते रहते हैं, जिससे वो इस बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो एक और प्रसिद्ध कवि हुए हैं साद अजीमाबादी, उन्होंने लिखा है कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़पे दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दबी हुई भावनाएं
आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकती हैं। चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो, पीड़ा हो, उदासी हो या खुशी हो, आपको कभी भी अपनी किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, उसे व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को बाहर निकलने दें। अवसाद, चिंता और अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियां आपके द्वारा दबाई गई भावनाओं का कारण भी हो सकती हैं। आप केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करके खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, डिप्रेशन से दूर रहना, जो मेंटल हेल्थ है उसको वास्तविक रूप से अपने जीवन में उतारना। प्रयास करिए, कोशिश करिए। मेंटल हेल्थ डे केवल एक दिन ना मनाए, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा साल, हर महीने, हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड इस चीज का ध्यान रखें। आपके आसपास कोई भी मेंटल हेल्थ से प्रताड़ित हो सकता है, उसे बातचीत करें। और जिसको भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस पर डिप्रेशन घुसता चला जा रहा है, तो वो प्रयास करें कि आसपास जिस भी व्यक्ति से किसी भी अवस्था में अपनी जो कंडीशन है वो साझा कर सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, तो बातचीत करें। और इस बात का ख्याल रखें कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। धन्यवाद। आप भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और प्रयास करें कि जो भी आसपास लोग हैं, जितना भी योगदान दे सकते हैं उनको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में, उनको स्वस्थ बनाएं, उनके साथ रहें।